नमस्कार स्टूडेंट्स, सांख्य दर्शन में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में सत्कार्यवाद की, और हमने देखा कि यह एक कार्य कारण का सिद्धांत है जिसमें इस दृष्ट जगत को कार्य मानते हुए इसके मूल कारण प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। सांख्य में याद दिला दूं मैं आपको कि दो मूल तत्व माने जाते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति जो स्वरूपतः जड़ है और त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों की साम्यावस्था है, उसके स्वरूप की या उसके अस्तित्व के सिद्धि की बात हम सत्कार्यवाद के द्वारा करते हैं, कार्य से कारण की ओर जाना। छात्रों, अभी यहां पर जो चीज समझने की है और जिस पर हम बात करेंगे वो है कि जब हम ये बोलते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों की साम्यावस्था है, तो यहां इसका क्या अर्थ है? वो तीन गुण कौन से हैं? हमने कई बार पढ़ा भी है, सामान्य जीवन में भी हम इनका उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम उन तीन गुणों का मैं जिक्र करूं, उनका नाम यदि मैं यहां लूं तो वो है सत्व, रज और तमस। ये सत्व, रज, तम, इस तरह से भी इनको अपन बोलते हैं। ये है वह तीन गुण जिनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया। यहां मेरा आग्रह इस बात पर है कि प्रकृति जो स्वरूप से जड़ है और जिसको हम कहते हैं यह तीन गुणों की साम्यावस्था है, सत, रज, तम, तो गुण शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो याद ये रखना चाहिए कि यहां गुण से अर्थ वास्तव में गुण नहीं है। गुण चूंकि वो तीनों गुण एक साथ सदैव रहते हैं, गुथे हुए रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, ना अव्यक्त अवस्था में और ना प्रकृति की व्यक्त अवस्था में, संभवतः इसीलिए गुण शब्द का प्रयोग किया गया। वस्तुतः ये तीन प्रकृति के घटक हैं, घटक जिनसे मिलकर ये प्रकृति बनी है। आप इसको यदि इस तरह से पूछें कि प्रकृति अपने आप में क्या है, तो हम इन तीन चीजों का नाम लेके बोलेंगे कि ये तीन चीजें मिलकर जो चीज बनती है वह प्रकृति है और वही सृष्टि का मूल कारण है। और मैं अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया करता हूं बेसन से बने लड्डुओं का, कि आपसे कोई पूछे लड्डू क्या है, तो ना मैं आकार की बात कर रहा हूं, ना मैं उसके रंग की बात कर रहा हूं, बल्कि लड्डू से अर्थ है कि जो तीन चीजों के मेल से बना है, बेसन, घी और मिठास यानी चीनी। तो लड्डू अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि इन तीन चीजों का सुंदर सा समन्वय है, संयोजन, वो ही मिलकर लड्डू बनता है। इसी तरह से प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि इन तीन गठों का जो सामान्य स्वरूप है, मिलके जो बनी है, वो है प्रकृति है। हाँ, इतना जरूर बोलेंगे कि ये जो तीन तत्व हैं, तीन घटक हैं, तीन गुण हैं, सत, रज, तम, ये जब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है तो ये साम्यावस्था बोली जाती है, समान मात्रा में रहते हैं, और जब प्रकृति व्यक्त होती है तो ये किसी वस्तु में कोई एक गुण प्रभावी और दो गुण गौण होते हैं, होते तीनों ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अव्यक्त से व्यक्त में आए तो किसी वस्तु में कोई एक गुण का अभाव हो गया, अभाव नहीं है। तीनों गुणों का जो एक मूल स्वरूप है, अपन पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद, वह अविवेकी, और अविवेकी का तात्पर्य है कि उनको ना तो अव्यक्त अवस्था में अलग किया जा सकता है, ना व्यक्त अवस्था में। विवेकी मानी भेद, भेद नहीं होगा तो अविवेकी बोला, विवेक मानी भेद और अविवेकी मानी अभेद, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में जो तीन गुण हैं जिनको हम प्रकृति कहते हैं, सांख्य में जिनको प्रकृति साम्यावस्था कहा है, उसका हम यहां पर जिक्र करेंगे। याद रखने की बात है कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका नामक रचना पर आधारित है, और उस पुस्तक में संपूर्ण सांख्य दर्शन को, संपूर्ण सांख्य साहित्य को कारिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो तीन गुण सत्य, रज और तम, इन तीनों के स्वरूप के संदर्भ में सांख्य कारिका में दो कारिकाएं उपलब्ध हैं जिनका मैं यहां जिक्र करना प्रासंगिक और उचित समझता हूं। क्योंकि संस्कृत है इसलिए उच्चारण में और याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर कोशिश करेंगे तो ये दोनों चीजें संभव है।
प्रथम कारिका कुछ इस प्रकार है, प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्या भी भवाश्रय जनन मिथुन वृत्तस्य गुण। ये एक पहली कारिका है, प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्या भी भवाश्रय जनन मिथुन वृत्तस्य गुण है। ये एक कारिका हुई, 12 नंबर कारिका है ये, और इसी से लगी हुई एक और कारिका जो गुणों के स्वरूप और इनके अस्तित्व के बारे में जो दी गई है वो है, सतत्वम लघु प्रकाशक मिष्ट मुपष्टम्बकम चलम च रज गुरु वर्णक मेव तमह प्रदीप वच्चार्थ तो व्रति। थोड़ा कठिन है, सतत्वम लघु प्रकाशक मिष्ट मुपष्टम्बकम चलम च रज गुरु वर्णक मेव तमह प्रदीप वच्चार्थ तो व्रति। ये एक दूसरी कारिका है। हम दोनों कारिकाओं के आधार पर जो तीन गुणों का स्वरूप है और उनके अस्तित्व के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन पर यहां पर बात करेंगे। तो जो प्रथम कारिका थी, प्रीत्य प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योना भी भवाश्रय जनन मिथुन वृत्तस्य गुण, ये जो प्रथम कारिका थी, 12 नंबर की कारिका बोल रहे हैं अपन इसको, इसमें इनके आपसी संबंध को स्पष्ट किया है कि इन गुणों का जो तीन गुण है इनका आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, दोनों ही अवस्थाओं में, व्यक्त अवस्था में भी और अव्यक्त अवस्था में भी। मैं ये जो शब्द बोल रहा हूं व्यक्त और अव्यक्त का, ये प्रकृति के संदर्भ में है कि प्रकृति जब अपने मूल स्वरूप में रहती है तो वो अव्यक्त अवस्था है। तो इस अव्यक्त अवस्था का क्या मतलब है, इस अव्यक्त अवस्था का मतलब है कि तीनों गुण बराबर मात्रा में साम्यावस्था में विद्यमान रहते हैं, सत्य रजतम तीनों समान अवस्था में बराबर मात्रा में जब रहते हैं तो यह प्रकृति की साम्यावस्था अर्थात अव्यक्त अवस्था है। और जब किसी बाह्य प्रभाव के निमित्त, कोई बाह्य वस्तु के प्रभाव से इन तीन गुणों में जब कोई स्पंदन आंदोलन विचलन या कुछ विघटन जैसी चीज होती है तो कोई एक गुण प्रभावी होता है, दो गुण गौण हो जाते हैं, उसको हम व्यक्त अवस्था कहते हैं और वही सृष्टि है। व्यक्त मानी प्रकृति रूपी कारण से कार्य रूपी सृष्टि का उदय प्रादुर्भाव, ये उसकी व्यक्त अवस्था होती है। तो जो प्रथम कारिका की बात अपन कर रहे थे 12वें नंबर की, उसमें तीनों गुणों के आपसी संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और अगली जो कारिका है जिसको हम कारिका नंबर 13 कहते हैं उसमें इन तीनों गुणों के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा संबंध और स्वरूप। हम सबसे पहले स्वरूप की बात करेंगे ताकि हम ठीक ढंग से कारिका नंबर 13 जो बात की हमने, यद्यपि दूसरे नंबर पर लिखी है लेकिन स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के बाद हम इनके आपसी संबंध को भी समझ पाएंगे। सॉरी तो तीन गुण सत्व रज और तम। तो सबसे पहले सत्व गुण का स्वरूप लेते हैं। अभी क्या कारिका में क्या बताया गया, सतत्वम लघु प्रकाशक, यानी सत्व गुण हल्का है, लघु मानी हल्का और प्रकाशक है। अब ये यहां पर हल्का का मतलब हो सकता है, हम में से ज्यादातर लोग ये समझें कि वजन में हल्का है और हम उसको हाथ में उठा के देखें तो शायद वो वजन में हल्का लगे। हल्का से यहां ये अर्थ नहीं है, हल्का से यहां अर्थ है कि वो एक श्वेतता, एक प्रसन्नता, एक प्रकाश, एक चमक, एक ओज, एक ऊर्जा, ऐसी चीज लिए हुए है, इस नाते उसको हल्का शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया। दर्पण के माफिक है, दर्पण में जैसे स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है कि जो बाहर की चीज जो कि तो दिखाई दी जाती है, लगभग वैसा ही सत्व गुण के संदर्भ में है कि इसके जब सत्व गुण उदय होता है। अब अपन मानवीय स्वभाव के संदर्भ में यहां बात करें एक बार कि मानवीय स्वभाव में जब सत्व गुण का उदय होता है तो सत्व गुण के उदय होने पर इंद्रियां, हमारी इंद्रियां ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, ये हल्की प्रसन्न एवं अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। बल्कि इसको यूं समझिए कि जब हम कई बार हम ये देखते हैं कि
ये प्रश्न पूछते हैं या ये बात पूछते हैं कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में या आलस आ रहा है, निद्रा हावी हो रही, इसका मतलब है कि उस स्थिति में हमारे ऊपर कोई दूसरे गुण हावी है, सत्वगुण नहीं। और जब सत्वगुण होता है तो मन बिल्कुल हल्का प्रसन्न चित्त और तल्लीन और बिल्कुल अपने ध्यान में मग्न और अपने विषय में लगा हुआ होता है, वहां उसका ध्यान भंग नहीं होता, चित्त विचलित नहीं होता, प्रसन्न होता है, अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है, शरीर में भी हल्कापन फुर्ती चुस्ती फुर्ती महसूस होती है। और इसके अन्य प्रमुख लक्षणों में इसी आधार पर बताया गया है, प्रीति मन राग सुख होता है, प्रकाश होता है और सूक्ष्मता होती है। सांख्य में एक जो बड़ी मजेदार चीज है वो ये है कि ये जो तीन गुण है सत्य रज तम, इन तीनों गुणों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक कलर तय किया है, रंग तय किया है। तो उस रंग को देखते ही जैसे आभास हो जाता है कि ये गुण जो है किस प्रकार के प्रभाव वाला होगा। तो सत्व गुण के लिए सफेद रंग, अब ध्यान दीजिएगा कि सफेद रंग जब हम कभी देखते हैं या सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं या सफेद रंग की कोई और स्थिति होती है तो बिल्कुल मन शांत होता है, चित्त प्रसन्न सा रहता है, कोई विषाद दुख और कुंठा या कोई आलस्य कोई अवरोध उस स्थिति में नहीं होता। ये सत्व गुण के मूल स्वरूप की बात यहां पर हुई। अब दूसरा है रजोगुण। तो रजोगुण माने रजगुण को चंचल कहा है ना, मिष्ट मुपष्टम्बकम चलम च रज, ये जो ऊपर आया उत्तेजक है, उत्तेजक कि जब किसी व्यक्ति में रजगुण हावी हो जाता है तो फिर वो क्रोधी स्वभाव का तेज तर्रार और उत्तेजना वाला होता है वो व्यक्ति। वह यह इस गुण की विशिष्टता यह है कि ये क्रिया में प्रवृत्त करने वाला है, क्रिया में, याद रखिएगा। अब इसीलिए तो सांख्य बड़ा मजेदार दर्शन है कि ये तीन गुण जो दिए गए ये संपूर्ण सृष्टि के सभी तत्वों के मूल स्वरूप की व्याख्या करने में सक्षम है, इसलिए हम इन तीन गुणों की यहां पर बात करते हैं। तो हल्की प्रश्न और अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ, शरीर में हल्कापन प्रतीत होता है, इसके प्रमुख लक्षण है प्रीति राग, सॉरी क्षमा चाहता हूं बीच में अपन वहां चले गए, मैं रजगुण की बात कर रहा था। तो जब रजगुण की अधिकता होती है तब मनुष्य क्रोध करता है, क्लय करता है, लड़ता है, भिड़ता है, क्योंकि उत्तेजना होती है ना। सांख्य में माना गया कि सत्व और तम क्रिया में प्रवृत्त होने में असमर्थ है, रजोगुण क्रिया में प्रवृत्त करता है। ध्यान देखिएगा, यदि रजगुण सक्रिय नहीं हो तो हम क्रियाशील नहीं होंगे, क्रिया में प्रवृत्त नहीं होंगे, हम आलस्य में ही पड़े रहेंगे, इसलिए रजगुण की अपनी महत्ता है। ठीक है, तो सत्वगुण हुआ, रजगुण हुआ, आगे हम इस चर्चा को कल फिर बढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।